हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। टुडे वी स्टार्ट। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट स्टेंट्स व्हेन लाइट रे गोज वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डिविएट फ्रॉम और पाथ। अब यहाँ डिपेंड करता है ये टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होगी या फार टू नॉर्मल शिफ्ट होगी कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है। सपोज लाइट रे आपके पास में रेयर मीडिया टू डेंसर आ रही है, यानी यहाँ पे आपके पास में म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन है। ओके तो लाइट रे आपकी फार टू, तो लाइट रे टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। ओके और व्हेन लाइट रे गोज डेंसर टू रेयर, यानी यहाँ पे क्या है म्यू टू इज लेस देन म्यू वन, तो उस केस में लाइट रे आपकी फार टू नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखना आपके पास में आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके और डेल आपके पास में डिविएशंस मिला है। यदि मैं डेल की यहाँ बात करता हूँ, डेल इक्वल टू मेरे पास आएगा आई माइनस आर, बट मैं यहाँ डेल की बात करता हूँ, डेल आएगा मेरा आर माइनस आई। ओके अब देखो बात करते हैं रिफ्रैक्शंस के लॉज की, तो ध्यान रखना आपके पास में ये वाली आपके पास इंसिडेंट रे हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये वाला आपके पास में नॉर्मल है, तीनों आपके पास में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शंस करते हैं। ओके गोट इट। नेक्स्ट ध्यान रखना सेकेंड लॉ इसका होता है स्नेल लॉ। ध्यान रख स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास म्यू वन साइन आई ऑलवेज इक्वल टू म्यू टू साइन आर होगा। स्टूडेंट्स यदि यहाँ से मैं आपके पास में साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू लिखता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो म्यू वन टू या म्यू टू वन भी, एक ही बात है। ओके गोट इट। एक चीज़ यहाँ से आपको पता लग रही होगी कि सर जिस भी मीडियम में लाइट रे हैं और उसके साथ नॉर्मल का जो एंगल बन रहा है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या हो रहा है कॉन्स्टेंट। ये थीटा मैंने लिखा है, थीटा आप यहाँ पे क्या है आपका रे का नॉर्मल के साथ में एंगल मैंने लिया है। ओके तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी अपन ऐसा बता सकते हैं, यदि इंसिडेंट रे का मेरे पास में यूनिट वेक्टर आई कैप है, रिफ्रैक्टेड का आर कैप है और नॉर्मल आपके पास में एन कैप है, तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि आई कैप क्रॉस एन कैप ऑलवेज इक्वल होगा म्यू इंटू आपके पास में आर कैप क्रॉस एन कैप के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सो मेनी टाइम्स इस पे क्वेश्चंस पूछा गया है। आपके पास में इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म में गिवन हो सकता है, ओके आपको एन कैप गिवन हो सकता है, आर कैप पूछ सकता है। ओके गॉट इट। अब देखो आपके पास में म्यू यहाँ गिवन है जो आपके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि लाइट रे का वैक्यूम में कितना स्पीड है अपॉन उस मीडियम में कितना स्पीड है। ओके दोनों स्पीड के रेशियो को ही उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। सी यहाँ पे वैक्यूम में स्पीड है, जो आपके पास में सनलाइट का स्पीड सी आप कंसिडर कर सकते हो 299792458 मीटर पर सेकेंड, या इसे राउंडिंग ऑफ में आप 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड भी बोलते हो। ओके वी आपके पास में मीडियम में स्पीड है, लाइक आपके पास वाटर में स्पीड हो सकता है, ग्लास में, जिसमें भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिक्वायर्ड है। सेकेंड यदि मान लो आपके पास में दो मीडिया है, सपोज आपके पास में म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ये म्यू टू का है, तो यहाँ पे आपके पास स्पीड वी वन होगी तो यहाँ कितनी होगी वी टू होगी। सही है, यहाँ आपके पास लेमडा वेवलेंथ है जबकि यहाँ वेवलेंथ कितनी है लेमडा टू है। इसका मीनिंग क्या हुआ आपके पास में, जब भी मैं रिफ्रैक्शंस की बात करूंगा तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था लास्ट लेक्चर में कि आपके कौन से पैरामीटर चेंज होंगे कौन से पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ओके वेलोसिटी यहाँ पे वी वन है तो यहाँ वी वन नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी वी टू हो जाएगी। यहाँ वेवलेंथ आपका लेमडा वन है तो लेमडा टू हो जाएगा यहाँ पे, यानी कुछ अनोदर वेवलेंथ आपको मिलेगा, वो डिपेंड करता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। बट ध्यान रखना ऑलवेज स्टूडेंट्स आपके पास में फ्रिक्वेंसी जितना आपके पास में पहले मीडियम में है, फर्स्ट मीडियम में जितना फ्रिक्वेंसी है उतना ही सेकेंड में मिलेगा, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। सेकेंड आपके पास में फेज में भी नो चेंज रहेगा, यानी आपके पास में लाइट के रिफ्रैक्शंस की बात करेंगे तो वहाँ पे फेज चेंज नहीं होता है, नो एनी चेंज इन फेज। गॉट इट। ओनली पैरामीटर्स आपके पास में वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगा। तो आपके पास वेलोसिटी वेवलेंथ का अपन रेशियो की बात करते हैं, रिलेशंस की बात करते हैं, तो किस तरह से आएगा, म्यू वन यहाँ पर है, म्यू टू यहाँ पर है, वी वन स्पीड इसमें है, लेमडा वन वेवलेंथ है, लेमडा टू। तो देखो आप यहाँ से कैलकुलेशंस लगा सकते हो, यदि मैं म्यू वन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो सी अपॉन वी वन आएगा, म्यू टू में क्या आएगा सी अपॉन वी टू आएगा, तो दोनों का रेशियो लीजिएगा आपके पास में, यानी म्यू वन आपका सी अपॉन वी वन आया, म्यू टू आपके पास में सी अपॉन वी टू आया। गोट इट।
सही है। तो यदि आप लिखते हो यहाँ से सर म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो आपके पास में वी वन अपॉन वी टू आ जाएगा और आपके पास में वेवलेंथ का रेशियो भी सेम वेलोसिटी के रेशियो जैसा ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आगे आपके पास में कैलकुलेशंस के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। यदि आपके पास में कोई भी लाइट रे है आपकी रेड टू डेंसर में आ रही है, रेड टू डेंसर, तो आपको पता है सर उसका इसमें डेंसर में रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, यानी म्यू टू का वैल्यू ज़्यादा है, तो आपके पास में म्यू टू ज़्यादा रहेगा तो इसमें स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, स्पीड इसकी कम होगी, वी टू का वैल्यू कम होगा कंपेयर टू वी वन, तो वेवलेंथ भी आपका कम हो जाएगा कंपेयर टू इंसिडेंट वेवलेंथ। ओके गॉट इट। यहां से आप बात कर सकते हो सर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड किस पे करता है, तो यहां से सबसे पहले आपके पास में जो भी इंसिडेंट रे हैं उसका कलर क्या है या उसकी वेवलेंथ क्या है उस पे डिपेंड कर रहा है, यानी उसका कलर, कलर के अकॉर्डिंग आपका वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है, वेवलेंथ पे या कलर पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंड थिंग आप बोल सकते हो उस मीडियम का नेचर कैसा है, उस मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपके पास में। गॉट इट। आपने क्या बताया, नेचर पे। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है बेटे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। यदि किसी मीडियम का टेम्परेचर आपके पास में इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है, उसके मीडियम के पार्टिकल्स है वो दूर दूर चले जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, सही है। यानी मीडिया पहले मान लो डेंसर था, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कंपेयर टू इनिशियल मीडिया वो रेयर मीडिया बन रहा है। रेयर मीडिया यानी पार्टिकल्स उसके दूर दूर जा रहे हैं, पार्टिकल दूर जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, सही है। यानी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बेटे, डिक्रीज कर जाएगा। आया समझे, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज। और क्यों डिक्रीज किया है, मान लो आपके पास में ये सपोज ये मीडिया था, इसमें पार्टिकल ऐसे पास पास थे, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे आपके पास में, यानी इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा हो गया। सपोज आपके पास में ऐसे बन गया, पहले पार्टिकल पास पास में थे, पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर चले गए, सही है। तो पार्टिकल अब पहले डेंसर था, अब आपका रेयर बन गया है, ठीक है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया है, डिक्रीज कर दिया। ओके गॉट इट। सपोज आपके पास में मोर देन वन मीडिया गिवन लाइक डेट, ये मीडिया वन है, ये टू है, ये थ्री है, और वापस सेम वही वन मीडिया आ गया। यदि लाइट रे आपके पास वन से टू में जाएगी, यानी सपोज आपके पास में रेयर और डेंसर कंसिडर कर लेते हैं, तो आपके पास में टू वन नॉर्मल आ जाएगी, क्योंकि आपके पास में डेंसर मीडिया है। इस तरह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू वन है, इसका म्यू टू है। अब यहाँ पे आपके पास सपोज ये आपके पास में रेयर है, तो यहाँ से दूर जाएगी, गॉट इट। और सेम आपके पास में इसमें से वापस थर्ड वाले से वापस फर्स्ट वाले में आ रही है, तो आप ध्यान रखना आपके पास सेम इसी के पैरेलल आ जाएगी वो, लाइक डेट, गॉट इट। यानी ये वाला म्यू वन हो गया, ये म्यू थ्री आ गया। तो ऑलवेज रिमेंबर आपके पास में यहाँ पे इस वाले पी पॉइंट पे स्नेल लॉ यूज करेंगे, क्यू पे यूज करेंगे और आर पे यूज करेंगे। या मेरे को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ वन का रेस्पेक्ट टू, यानी वन म्यू टू, गॉट इट, इन टू मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपका टू से वाला का थ्री से, यानी टू का विथ रेस्पेक्ट थ्री, और सेम आपके पास थ्री से वन आ रही है, तो म्यू थ्री वन। तो ऑलवेज रिमेंबर इसका वैल्यू कितना होता है बेटे, वन होता है, डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। और वैसे आप लिख के भी देख सकते हो ये क्या आएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन आएगा, आपके पास में म्यू थ्री अपॉन म्यू टू हो जाएगा, और ये वाला आपके पास में म्यू वन अपॉन म्यू थ्री आ जाएगा। इससे कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, कितना मिल गया आपको, वन मिल गया। ओके गॉट इट। नेक्स्ट देखना आपके पास में बात करते हैं रियल और अपरेंट डेप्थ के बारे में। कई बार आप देखते हो कि टैंक के अंदर आपने देखा तो टैंक का बॉटम होता है आपको ऊपर दिखाई देता है, आए समझ में। आप स्विमिंग कर रहे हो वाटर के अंदर हो, तो आपके पास बाहर किसी पोल को आप देखते हो, तो पोल की आपको हाइट होती है कुछ अलग दिखाई देती है, एक्चुअल से कुछ अलग दिखाई दे रही है। तो रियल एंड अपरेंट डेप्थ, सपोज आपके पास में ऑब्जेक्ट आपके पास में डेंसर में रखा हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये आप एयर में आप लो, आपके पास में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इस लाइन ऑफ एक्शन में, तो यहाँ से रे ऐसे इंसिडेंट हो गई और रिफ्रैक्ट होके यहाँ आ गई, सपोज यहाँ से आप देख रहे हो। बट आपको आपके पास में इस रे को आप पीछे की ओर ट्रेस करते हो तो आपके पास में यहाँ आके इंटरसेक्शन करती है, यानी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर, ये तो उसका रियल पोजिशन है, बट आपको यहाँ दिखाई नहीं दिया, आपको दिखाई देता है यहाँ पर अपरेंट यहाँ होगा ओडेस। अब आपके पास में ओडेस का आपके पास सरफेस से मान लो डेप्थ आपके पास एच है, जबकि रियल आपके पास में कितनी एच है, एच डेस एंड एच।
अब एच डेस और एच में रिलेशन क्या होगा, एच डेस आपके पास कम हो गया है तो एच डेस इक्वल टू आपके पास होगा एच अपॉन म्यू। और सर कितना डिफरेंस आएगा, मान लो डी डिफरेंस आप लिखना चाहते हो तो डी इक्वल टू आप लिख सकते हो एच माइनस एच डेस, तो एच एच डेस का वैल्यू क्या है एच माइनस म्यू है, यानी यहाँ से आप एच कॉमन ले सकते हो वन अपॉन वन माइनस म्यू। ओके गॉट इट। इसका रिसिप्रोकल स्टडी करते हैं, सपोज आपके पास में आप यहाँ पर डेंसर मीडियम में हो और बाहर एयर में ऑब्जेक्ट है, सपोज वाटर में स्विमिंग कर रहे हो, फिश स्विमिंग कर रही है, फिश को कैसे अपोल दिखाई देगा, इस ऑब्जेक्ट से रे ऐसे आएगी। अब ये कहाँ है आपके पास में, रेयर में है, रेयर से डेंसर में आएगी तो टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पर। ओके आप यहाँ से देख रहे हो, ध्यान देना, तो आपके पास में इस रे को मैं आगे पीछे की ओर ऐसे इंक्रीज करता हूँ, इंस्टेंट करवाता हूँ, तो आपके पास में ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा। इन सर एक्चुअल में तो रखा हुआ तो यहाँ था ऑब्जेक्ट, बट दिखाई क्या दिया आपके पास में, ओ डेस पे दिखाई दिया, यानी इसकी जो अपरेंट हाइट है आपके पास में एच डेस मिलेगी। तो एच डेस का और एच का रिलेशंस यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, एच डेस आपके पास में ज़्यादा है, कितने टाइम ज़्यादा होगी, जिस मीडियम में आप हो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम ज़्यादा हो जाएगी। ओके गॉट इट। सर इस यहाँ भी डिफरेंस कितना होगा आपके पास में, यदि आप डी फाइंड करना चाहते हो तो आपके पास में एच डेस माइनस एच आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एच डेस ज़्यादा है। गॉट इट। एच डेस का वैल्यू यहाँ क्या होगा, प्रिंट हाइट ज़्यादा दिखाई देगी, यानी पोल सपोज 1 मीटर का है तो आपको म्यू टाइम आप वोटर से देख रहे हो तो 4/3 इनटू आपका 1 मीटर दिखाई देगा, यानी 1.33 मीटर का दिखाई देगा। तो एच डेस का वैल्यू आपके पास में म्यू एच आया माइनस एच, यानी या म्यू माइनस 1 इंटू एच टाइम। गॉट इट। ओके।